हे दोस्तों, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी चीजें होती हैं जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं होता। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता। आज हम आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। आज हम आपको दो ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको सुनने और समझने के बाद आप खुद ही कहेंगे, यार ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, क्या आपने कभी स्वाम घोष के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं बोइंग B-17 के साथ क्या हुआ? आज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये बहुत ही रहस्यमय कहानी है, इसलिए आप अंत तक हमारे संग बने रहें। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ लोग इस दुनिया में सबसे अलग होते हैं। दोस्तों, जहाँ पर दूसरों को डेंजर नजर आता है, वहीं कुछ लोग उसमें अपना एडवेंचर ढूंढते हैं। आज मैं आपको मार्टिन और डेविड की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने वो काम करके दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कहते हैं इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े रहस्य में से एक को सॉल्व कर दिया। जी हाँ, क्या आपने कभी सबसे अजीबोगरीब देश यानी कि पपुआ न्यू गिनी के बारे में सुना है? आज आपको दिखाऊंगा कैसे मार्टिन और डेविड की जोड़ी ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही इस जंगल में एंट्री की, और उसके बाद जो काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। इनफैक्ट किसी ने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। दोस्तों, इस देश की वो खतरनाक जंगल जहाँ पर कोई भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ आने के बाद दोस्तों मौत पक्की है। ऐसी जगह पे पहुंच गए मार्टिन और डेविड। दोस्तों, लेकिन क्या वजह थी कि इन्होंने अपनी जिंदगी को रिस्क में डाला? एक्चुअली दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बात ऐसी थी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का एक सबसे ताकतवर जहाज जापान पर हमला करने के लिए निकला, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जी हाँ, कोई भी परेशानी नहीं थी, जापान पर हमला भी किया गया, लेकिन वापस आते समय अमेरिका के इस लड़ाकू विमान पर एक बड़ा हमला हो गया, जिसकी वजह से पायलट को आनन फानन में फ्लाइट को लैंड करवाना पड़ा। अब कहते हैं ना, जब आपकी जान बचनी होती है तो किसी भी माहौल में और किसी भी हाल में बची जाती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आपको बताना चाहूंगा, इस फ्लाइट को लैंड करवाने के लिए पायलट को बड़े पापड़ बेलने पड़े। लेकिन आप समझिए, एक फ्लाइट जिसमें आग लगी हो, जिसका फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो गया हो, ऐसे में वाकई में अगर कोई पायलट फ्लाइट को लैंड करवा दे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और ऐसा हुआ, पायलट जॉन ने फ्लाइट को लैंड करवाया, लेकिन उनसे हो गई एक बड़ी चूक। जी हाँ, वो पापुआ न्यू गिनी के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे, तभी उन्हें लगा कि वो एक खेत में अपनी फ्लाइट को लैंड करा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये खेत नहीं, ये था दलदल, एक ऐसी नदी जहाँ पानी तो बह रहा था नीचे, लेकिन ऊपर से ये खेत की तरह दिख रहा था। लेकिन जॉन ने कम से कम फ्लाइट को लैंड करा दिया। इस फ्लाइट के अंदर 6 लोग थे, सब के सब अमेरिका के संग जुड़े हुए थे। अब ने लगा कि हमने फ्लाइट तो भाई लैंड करवा दी, लेकिन इसमें से उतरेंगे कैसे? दोस्तों, ये बड़ा सवाल था। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस नदी में इन्होंने अपनी फ्लाइट को उतरवाया था वो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच थी। आपको बताना चाहूंगा, वहाँ पर हद से ज्यादा मगरमच्छ थे और सबसे खतरनाक किस्म के मच्छर भी थे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नीचे पानी में उतरेंगे तो संभव है मगरमच्छ आपको मार देगा, या मान लीजिए अगर आप बच भी जाते हैं तो यहाँ के मच्छर, जो कि मलेरिया फैलाने में सबसे आगे होते हैं, वो आपकी जान ले लेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ जॉन और उनके साथियों के साथ। जी हाँ, जैसे ये नदी में उतरे वैसे ही मगरमच्छों ने इनके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन क्योंकि इनके पास बचने के साधन भी थे तो ये बच गए। लेकिन दोस्तों, इनके सभी साथियों को मच्छरों ने काट लिया। कहने का मतलब ये है कि ये सभी मलेरिया से पीड़ित हो गए, लेकिन ये फिर भी बच गए क्योंकि इन्हें आसपास के लोगों ने देख लिया, जिन्होंने अपने देसी नुस्खों की मदद से इनकी जान बचा ली। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। अमेरिकी सैनिकों का काफिला पपुआ न्यू गिनी में था, जहां ये सब सफलतापूर्ण पहुंच गए, और वहां पर पार्टी भी हुई, क्योंकि सबको लगा कि जापान पर बॉम्ब गिराने के बाद सब मारे गए। किसी ने नहीं सोचा कि ये सब बच गए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किसी को बचना होता है तो वो सर्वाइव कर ही जाता है, वही देखने को मिला। आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बात थी, दोबारा किसी और मिशन पर इनको भेज दिया गया। लेकिन हमारी कहानी कुछ और है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेविड और मार्टिन की। जी हाँ, ये दो लोग जो कि पहुंच गए पपुआ न्यू गिनी, वहाँ पर घने जंगल थे जहाँ पर इनको सबसे ज्यादा खतरा था, लेकिन इन्हें कुछ प्रूफ करना था, इन्हें कुछ साबित करना था, इसलिए ये बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं थे। कहते हैं कि ये दोनों बड़े ही जुनूनी किस्म के लोग थे। अब इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी कैसे ये पहुंचे घने जंगल में। जी हाँ, इन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया था, इन्होंने सब रास्ता देख तो लिया था, लेकिन जाएंगे कैसे ये बड़ा सवाल था। आपको बता दूं, इन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की, एक ऐसा कपड़ा सिलवाया जिसके ऊपर अगर कोई मच्छर काट भी ले तो इनको कोई भी फर्क ना पड़े। लेकिन दोस्तों, ये इतना भी आसान नहीं था। ये गए और जंगल में भटकते रहे, क्योंकि बाहर की चीजें जैसी लगती हैं वैसी होती बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचिए, इस घने जंगल में जाने का जो फैसला लिया वो सफल हो सकता था, और साथ ही इनको बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी भी काम के लिए आपके अंदर जुनून होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ये दोनों फ्लाइट तक पहुंच गए,
आप सोचिए एक ऐसी फ्लाइट जिसका एक्सीडेंट सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था, उसे कई सालों बाद देखने वाले थे। जब इन्होंने पहली बार इस फ्लाइट को अपनी आंखों के सामने देखा तो ये रोने लगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इन्होंने वो हासिल किया जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। जब ये फ्लाइट के अंदर पहुंचे तो पाया कि वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। इतने साल निकल जाने के बाद भी वैसी मशीन और उसके पार्ट्स अलग अलग पड़े हुए थे। दोस्तों, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मार्टिन और डेविड इस फ्लाइट के पास गए तो गए क्यों, आखिर क्या वजह हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दरअसल बात यह है कि मार्टिन का एक बड़ा बिजनेस था पुरानी फ्लाइट्स को ढूंढना या फिर उनको खरीदना और उसे अपने शोरूम में रखना। ऐसे करके इन्हें भाई बहुत सारे पैसे मिलते थे, बहुत पैसा इन्होंने कमाया। यही वजह थी कि मार्टिन ने कहा था कि वो इस फ्लाइट को पाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, आप समझिए किसी भी इंसान के लिए ये कितनी बड़ी बात थी। जहां तक आर्मी के लोग नहीं पहुंच पाए, ये लोग वहां पहुंच गए। वाकई में बहुत बड़ी बात थी। वो कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहीं राह होती है। यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अंत में दोनों ही उस घने जंगल से निकलने में सफल हो गए। और सबसे अच्छी बात ये थी, ये जो चाहते थे वो इनको मिल गया। अब आप ही बताइए, इससे ज्यादा किसी को और क्या चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों आज की दूसरी कहानी की ओर, एंड ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये कहानी भी दोस्तों पापुआ न्यू गिनी के जंगल से ही है। यह बहुत ही खतरनाक जंगल है, यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं। अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स की। जी हाँ, आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया का कभी हिस्सा हुआ करता था पापुआ न्यू गिनी। लेकिन अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, हर रोज की तरह रूटीन वर्क चल रहा था, सब कुछ ठीक था। एक एयरफोर्स की फ्लाइट को पापुआ न्यू गिनी के रेन फॉरेस्ट के ऊपर से जाना था। किसी को नहीं पता था कि आज सब कुछ बदल सकता है। ये बात सभी जानते थे कि ये रेन फॉरेस्ट बहुत ही खतरनाक है। ये बात सबको मालूम थी कि यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो जो आगे देखने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक है। ऑस्ट्रेलियाई एयरफोर्स की फ्लाइट रवाना हो गई और उसके बाद जब वो ऑस्ट्रेलियाई रेन फॉरेस्ट के ऊपर उड़ रही थी तो सभी ने कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने देखा कि एक फ्लाइट इस जंगल में पड़ी हुई है। जी हाँ, ये बहुत ही शॉकिंग बात थी। कहते इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन जब इन्होंने देखा तो लगा भाई ये क्या है। कुछ देर के लिए पायलट तो पूरी तरह से डर गया। उसे लगा कि भाई आज उसकी भी जान गई और वो जैसे तैसे निकल गया और समय से पहले ही बेस पर आ गया। जी हाँ, वो पायलट बहुत परेशान था और जब उससे पूछा गया कि आखिर हुआ क्या है तो उसने साफ साफ कहा कि रेन फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ी फ्लाइट पड़ी हुई थी जो देखने में ऐसी लग रही थी मानो किसी की जान ले ले। इस बात में कोई शक नहीं था कि पापुआ न्यू गिनी बहुत ही खतरनाक जगह मानी जाती थी। उस समय तो यहाँ का माहौल और भी ज्यादा खराब था, लेकिन कोई कहता भी क्या, तो वो इस जगह से जाना चाहते थे। लेकिन बात तो वही थी कि ऊपर से जंगल को देखना और नीचे उतर कर जाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी काम को करने से पहले दोस्तों 10 बार सोचा जाता है। ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स ने निर्णय लिया कि वो इस जगह पर जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बात क्या है, ये फ्लाइट कहाँ से आई है, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कहानी बन सकती है। जब इस फ्लाइट के बारे में पता चला तो सारे के सारे चौंक गए। पता चला कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय पापुआ न्यू गिनी में अमेरिका की एक नहीं बल्कि दो दो फ्लाइट्स नीचे गिरी थी। एक तो हमने आपको कहानियां बता दी, अब दूसरी की खोज के लिए मार्टिन और डेविड को ही बुलाया गया। कहते कि इनसे कहा गया कि आप इस फ्लाइट के बारे में फिर से पता कर सकते हैं। चूंकि इन्हें अनुभव था कि कैसे इस जंगल में जा सकते हैं और कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, तो ये दोनों एक बार फिर से इस जंगल में पता लगाने के लिए चल दिए। ये बात सच थी कि फ्लाइट उसी जंगल में पड़ी हुई थी, उसकी कंडीशन भी वैसी ही थी। लेकिन बात यह भी थी, क्या दोनों फ्लाइट तक पहुंच पाएंगे। दोनों बहुत ही ब्रेव थे और फ्लाइट के अंदर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने सब कुछ देखा यहाँ पर क्या क्या है। इन्होंने पाया कि सब कुछ वैसा ही पड़ा हुआ था। उसके बाद इन्होंने उस जमाने में कैसे लड़ाई की जाती थी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ली। कई सारे इन्हें पेपर भी मिले जिसे बाद में दुनिया के सामने रखा गया, क्योंकि इनमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन थी। कहते हैं दोस्तों, कुछ चीजों को संभाल कर ही रखा जाना चाहिए और इन्होंने भी वैसा ही किया। लेकिन दोस्तों, इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। जिस जंगल में कोई जाना नहीं चाहता था वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो बार गए और इन्होंने वो काम करके दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सफल हो गए दोनों के दोनों और बाद में इसी के दम पर मार्टिन का काम बहुत आगे तक बढ़ गया। जी हाँ, क्योंकि इनके पास वो तमाम चीजें आ गई जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग इनके शोरूम पर आया करते थे। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और डेविड मार्टिन की मेहनत ने ये चीजें साबित कर दी। साथ ही हमें पता चला कि पापुआ न्यू गिनी का रेन फॉरेस्ट कितना खतरनाक है और यही वजह है कि इसके ऊपर से कोई फ्लाइट नहीं चाहती। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। ऐसी और रोमांचक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।